गुड इवनिंग फ्रेंड्स लर्नर्स। कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया जहां मैं कल्चर और हेरिटेज पर्यटन को किस तरह प्रभावित करते हैं और हाउ डू कल्चर और हेरिटेज अफेक्ट टूरिज्म और टूरिज्म इंडस्ट्री, इसके रिलेशनशिप की बात कर रहा था। यह बात तो तय है कि ये दोनों फैक्टर्स, जहां हम कल्चर को एक फैक्टर के तौर पर कंसिडर करते हैं और हेरिटेज को भी मल्टीपल फैक्टर्स के तौर पर कंसिडरेट किया जा सकता है, तब जब वो टूरिज्म को स्टिमुलेट करने के लिए या टूरिज्म इंडस्ट्री को स्टिमुलेट इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली उसको उसको डिमांड के तौर पर डेवलप करने के लिए एक हेल्पफुल एलिमेंट होता है। तो मित्रों नमस्कार, इस विषय पर चर्चा करेंगे आज। मैं डॉक्टर अमित तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एट IITTM ग्वालियर, विच इज नोन एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, जो भारत का एक विश्व भारत का एक बड़ा पर्यटन संस्थान है, जहाँ पर पर्यटन मंत्रालय के मातहत हम लोग टूरिज्म को इस देश में एडुकेशन के लिए किस तरह से स्टिमुलेट कर सकते हैं, एज एन इंस्टीट्यूट हम काम कर रहे हैं पिछले 40 वर्षों से। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दो सर्टन रिलेशनशिप ऑफ कल्चर और हेरिटेज बाय विच इट मे स्टिमुलेट टूरिज्म और टूरिज्म इंडस्ट्री इन टोटैलिटी। सो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज बेसिकली कल्चर इज, व्हाट इज बेसिकली हेरिटेज इज, एंड व्हाट इज बेसिकली टूरिज्म एंड टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं टूरिज्म के विषय में बात करूं तो हम पाते हैं कि टूरिज्म एक मूवमेंट है या स्टडी ऑफ मूवमेंट पैटर्न है जो मैनकाइंड का ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में, यानी यात्राओं का ऐसा स्वरूप जहां पर व्यक्ति पर्यटन के उद्देश्य से या फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ लेजर प्लेजर फन रिक्रिएशन एक मूवमेंट करता है जो टेम्परेरी है, जहां पर मिनिमम 24 आवर्स और मैक्सिमम 180 डेज तक एक व्यक्ति अपने घर से बाहर और वन इज स्टे आउट दी रेसिडल एनवायरनमेंट। इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडरेट दिस टूरिज्म फिनोमिना दैट समवन हु इज ट्रेवलिंग बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इट शुड बी टेम्परेरी, ये टेम्परेरी या तात्कालिक होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि ओरिजिन को छोड़कर व्यक्ति डेस्टिनेशन पर और डेस्टिनेशन से वापस ओरिजिन पर या नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस को कवर करके व्यक्ति अपने मूल स्थान पर जाएगा। और इन पर्पजों को अगर हम, इन कारणों को जिनकी वजह से व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, वो कारण रेसिडुअल नहीं है, वो कारण है फन रिक्रिएशन लेजर प्लेजर विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। बाद में इसको लेकर एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन में बिजनेस और वेकेशन ट्रैवल के तौर पर भी नए कुछ कॉन्सेप्ट्स को इवॉल्व किया गया। अब दूसरा एक एस्पेक्ट है, व्हाट इज टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म, पहला तो हम ये मानते हैं कि टूरिज्म बेसिकली कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, इट इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, रादर इट इज अ फिनोमिना मेड अप बाय अ नंबर ऑफ एंटिटीज ऑल टुगेदर। इसमें सोसाइटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड यूनिवर्स को अगर हम माने तो हम इस यूनिवर्स में एक सोशल और इकोनॉमिकल एक्टिविटी जिसमें हम एक बायर और एक सेलर के कॉन्सेप्ट को इवॉल्व कर पाते हैं। बायर वो है जो टूरिस्ट है जिसकी एक ट्रैवल टूरिस्टिक नीड है और इस टूरिस्टिक नीड को फुलफिल करने के लिए वो व्यक्ति पर्यटन के लिए या फॉर द पर्पस ऑफ, जैसा मैंने बताया, लेजर प्लेजर फन रिक्रिएशन, ही और शी विल विजिट अ प्लेस अदर देन दैट ऑफ हिज रेसिडेंशियल प्लेस। सो नाउ दिस
टाइप ऑफ डिमांड और दिस टाइप ऑफ नीड विल स्टिमुलेट दी पीपल दोज आर प्रोवाइडिंग दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस. सो देर आर एन नंबर ऑफ प्लेयर्स और स्टेक होल्डर्स दे आर क्रिएटिंग दिस टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री. नाउ टूरिज्म मे बी इंडस्ट्री और नॉट, दिस मे बी अ क्वेश्चन. मैनी ऑफ द स्कॉलर्स हैड डिफाइन इट डिफरेंटली. रॉजर डॉसबेल हैड गिवन एन ओपिनियन इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट ही हैड एड्रेस दैट टूरिज्म इज एन इंडस्ट्री. टूरिज्म एक इंडस्ट्री है और वो इस तरह का इंडस्ट्री है जहां पर हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, हम रिक्रिएट कर रहे हैं एक्सपीरियंस को. एंड वी आर प्रोवाइडिंग दी आइडेंटिकल गुड्स, जिनको हम गुड्स और सर्विसेज ऑल टुगेदर कहते हैं, हम एक अनुभव दे रहे हैं. तो ये बात हो गई टूरिज्म और टूरिज्म इंडस्ट्री के विषय में. नाउ वी आर क्लियर विद व्हाट इज टूरिज्म एंड व्हाट इज टूरिज्म इंडस्ट्री इज. आई विल रिपीट अगेन, टूरिज्म इज अ फिनोमेना ऑफ मूवमेंट पैटर्न ऑफ मैनकाइंड स्टे आउटसाइड इज रेसिडेंशियल एनवायरमेंट. एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री वेयर और टूरिज्म इंडस्ट्री इज अ सिस्टम वेयर ऑल सॉर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स प्रोवाइड दी सप्लाई एस्पेक्ट ऑफ ऑल सच डिमांड जनरेटेड बाय द टूरिस्ट इट सेल्फ. सो दिस इज वॉट वन फिनोमिना. नाउ हाउ डू कल्चर और हेरिटेज कैन बी अ कैटलिस्ट इन टू दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क. इसको लेकर कई तरह के हमारे पास डिस्कशंस हैं और इन डिस्कशंस को जब हम ओवर रूल करते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च में, तो बहुत सारे रिसर्च प्रोपोगेशंस क्रिएट होते हैं. एक अच्छा रीडेबल टेक्स्ट है जिसको मैं अभी रेफर कर रहा हूँ, द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का ये रेफरेंस है, जिसमें उन्होंने बताया कि टूरिज्म इज अ टूल फॉर कैटलिस्ट पर्पस रिलेटेड टू ह्यूमन नीड्स. पर्यटन एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है जो इंसान की जो मनोवृत्तियां हैं, जो टेंडेंसीज हैं, उनको फुलफिल करने के लिए. इस क्वेस्ट में इस बुक को रेफर करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे साथ सामने आता है विच इज मेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर रीडेबल कॉन्टेक्स्ट विच इज एट द ओपन प्लेटफॉर्म. हम पब्लिक डोमेन में इसको पाते हैं, सॉफ्ट कॉपीज आर अवेलेबल इजीली. पार्ट वन स्टेट्स अबाउट इंक्रीजिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ डेस्टिनेशन थ्रू कल्चरल रिसोर्सेस. तो ये जब बात कर रहा है, ये जब इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं, तो ये सीधी बात यही है कि टूरिज्म को प्रोपोगेट करने में कल्चर एक रिसोर्स के तौर पर काम करता है. और कल्चर को अगर हम हेरिटेज के वेरिएबल फैक्टर्स के साथ डिफाइन करें, क्योंकि कल्चर को डिफाइन करना कोई कोई एक एंटिटी भर नहीं है, इट्स अ नंबर ऑफ एंटिटी और इट मे बी टेंजिबल, इट मे बी इनटेंजिबल, इट मे बी इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर लिविंग पैटर्न और लिविंग सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, आर्ट, क्राफ्ट, क्यूजिन, दैट इज व्हाट आवर कल्चर इज. सिमिलरली हेरिटेज इज अ फिनोमिना विच मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, विच मे बी क्राफ्ट रिलेटेड आस्पेक्ट, नेचर रिलेटेड आस्पेक्ट, एंड दिस इज अवेलेबल टू अस फ्रॉम द एंशियंट पास्ट, लेट से 150 ईयर्स और 100 ईयर्स ओल्ड और मोर देन दैट. सो हेरिटेज एंड कल्चर आर द की एरियाज विच स्टिमुलेट द टूरिस्ट डिमांड, बिकॉज इट कंसिडर्स फॉर द टूरिज्म एज अ पर्पज ऑफ टूरिज्म रिलेटेड नीड. पर्यटक की जो फौरी तौर पर आवश्यकता है, एक व्यक्ति अट्रैक्टिवनेस के कारण ही डेस्टिनेशन को विजिट करता है. प्लीज माइंड करिए इस वर्ड को कि व्हाई डू पीपल ट्रेवल, मैं और आप क्यों यात्राएं करते हैं. मैं और आप अपने जीवन में जो विभिन्न पर्यटन प्रदर्शनों की, और वी आर गोइंग टू ट्रेवल अ लॉट बिकॉज ऑफ सर्टन और स्पेसिफिक पर्पस और पर्पसेस. दीज पर्पस और पर्पसेस आर गोइंग टू बी डिफाइंड बाय ऑल सॉर्ट ऑफ अट्रैक्टिवनेस. बहुत सारे आकर्षण हैं जो व्यक्ति को उस गंतव्य तक या डेस्टिनेशन पर जाने के लिए बाध्य करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट एन अट्रैक्शन मे बी कॉल्ड अप एज कल्चर, मे बी कॉल्ड अप एज हेरिटेज कल्चर बाय द नेम ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट
क्यूजीन्स, डिफरेंट फूड, डिफरेंट डांस फॉर्म, डिफरेंट आर्ट फोक, और मे बी द कंसर्न फिनोमिना रिलेटेड टू दी विजुअल आउटर पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसको हम देख पा रहे हैं, उसको हम सुन पा रहे हैं या उसको हम महसूस कर पा रहे हैं। सिमिलरली हेरिटेज इज अ सम सम टोटल ऑफ फिनोमिना विच कैन बी अ रिसोर्स फॉर दी टूरिस्ट रिलेटेड डेस्टिनेशन, और उनसे डेस्टिनेशन बहुत रिच हो रहे हैं, देयर फॉर ओनली पीपल आर कमिंग। तो यहाँ दो बातें हैं जो मैं बहुत क्लैरिटी से कह रहा हूँ कि कल्चर किस तरह से टूरिज्म को अफेक्ट करता है। कल्चर टूरिज्म को अफेक्ट करता है क्योंकि टूरिज्म के जो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर वो एक रिसोर्स होता है फॉर टूरिस्ट, सिमिलरली फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री, एंड सिमिलरली हेरिटेज और टूरिज्म इस तरीके से स्टिमुलेट होकर बेनिफिट कर सकता है। जब हम बात करते हैं रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ऑन अट्रैक्टिवनेस, तो हम पाते हैं कि डेवलपिंग रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड टूरिज्म इज सो मच देयर। आप देखते हैं कि कल्चर और टूरिज्म के बीच में एक ऐसा संबंध है जो अविच्छिन्न है, जिसको काटा नहीं जा सकता। मैं कुछ वर्ड्स कोट कर रहा हूं जिन्हें आप समझिएगा। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, टूरिज्म एंड कल्चर वर व्यूड एज द लार्जली सेपरेट एस्पेक्ट ऑफ डेस्टिनेशन। कल्चरल रिसोर्सेज वर सीन एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ डेस्टिनेशन, लार्जली रिलेटेड टू द एजुकेशन ऑफ द टोटल लोकल पॉपुलेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल नेशनल कल्चरल आइडेंटिटी। जो कल्चरल आइडेंटिटी है व्यक्ति की, वो उसकी वैल्यू सिस्टम, उसके एजुकेशन सिस्टम, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उस होलसम ऑफ पॉपुलेशन का एक डिपिक्शन मात्र है, जो आउटर और इनर डिपिक्शन ऑफ पर्सनालिटी भी हो सकता है, जो नेशन के साथ, नेशन प्राइड के साथ एक व्यक्ति, उसकी पोशाक, उसकी बोलचाल, उसके धर्म, उसके आचरण और ऑल सच फिनोमेनाज विच आर रिलेटेड टू अ पर्सन को थ्रो आउट करता है, विच इज डेफिनेटली अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम विजिटिंग श्रीलंका बिकॉज श्रीलंकन पीपल आर डिफरेंट इन क्यूजीन, दे हैव डिफरेंट आर्ट फॉर्म, दे हैव डिफरेंट और इंटरेस्टिंग कल्चरल आस्पेक्ट रिलेटेड टू देयर लैंग्वेज, देयर लिटरेचर, देयर आर्ट फॉर्म, देयर ऑब्वियसली देयर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड देयर एक्शंस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, द ग्रोइंग कनेक्शन बिटवीन कल्चर एंड टूरिज्म इज स्टिमुलेटेड अ लॉट, एंड देयरफॉर, और इसी वजह से टूरिज्म रिलेटेड डिमांड बहुत सेग्रीगेट होता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं क्लैरिफाई करता हूँ, जो रीड रीड करके आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम दिस गुड रीड। डिमांड डिमांड इज इंक्रीज इंक्रीज थ्रू इंटरेस्ट क्रिएशन बाय द कल्चर, और ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, आज हम रूरल टूरिज्म की या हम एथनिक टूरिज्म की या हम कल्चरल टूरिज्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने बेशकीमती कल्चर या जो धरोहरें दूसरी सभ्यताओं के पास है उनको आत्मसात नहीं किया, उन्हें देखा नहीं। सो देयर देयरफॉर सिंस दे हैव नॉट बीन थ्रू दिस पर्टिकुलर कल्चरल सेगमेंट, देयरफॉर इट इज अ सोर्स फॉर अट्रैक्शन फॉर दोज पीपल एट द ग्लोबल वर्ल्ड। ग्रोइंग लेवल्स ऑफ कल्चरल कैपिटल स्टिमुलेट बाय राइजिंग एजुकेशनल लेवल, जैसे जैसे लोगों का एजुकेशन लेवल राइज हो रहा है वैसे वैसे उनके कल्चरल कैपिटल, वो जानना चाहते हैं दूसरे लोगों की, दूसरी तहजीबों के बारे में, भाषाओं के बारे में, क्यूजींस के बारे में। आज दूसरे कल्चर में जो हमारा भोजन या पोशाक हुआ करती थी वो हम तक अवेलेबल है, एवरीथिंग इज ग्लोबल, एंड देयरफॉर ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज एन आउटकम रिलेटेड टू टूरिज्म। एंड दो वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टूरिज्म टूरिज्म एंड अफेक्टेड विच इज अफेक्टेड बाय कल्चर एंड हेरिटेज। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई मे लाइक टू स्टेट दैट जो भी ग्रोथ है आपके टूरिज्म का वो कल्चरल कैपिटल को लेकर है। ज्यादातर विश्व में जो पर्यटन हो रहा है वो डिपिक्शन ऑफ डिफरेंट कल्चर है, क्योंकि इंसानों के पास उनकी कल्चरल सेंसिबिलिटी या कल्चरल टेक ओवर एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक तहजीब से दूसरी तहजीब, एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता में बहुत ज्यादा है।
Aging population in developed regions are also the part and reason of that. And there are different other aspects, desires in terms of depicting the experience of others' life. There is a growth in terms of intangible culture को हम समझना चाहते हैं, जो एक इमेज के तौर पर क्रिएट किया जाता है बाय द सोशल मीडिया मीडिया और द अदर इश्यूज. उसके एंड पर तब जब हम इन सब चीजों को डिमांड के तौर पर स्टिमुलेट करते हैं, देन सप्लाई एस्पेक्ट इज टू बी कम अप थ्रू. सप्लाई एस्पेक्ट जब कम अप होता है तो हमारे पास कुछ चीजें क्रिएट होती हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल टूरिज्म और उससे रिलेटेड स्टिमुलेशन इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड इनकम. जब लोगों को इस बात का एक स्टिमुलेशन मिलता है कि वो कल्चर को देखने, एक वाइबल कल्चर को देखने आते हैं, लोगों से मिलने आते हैं, उनके बहुत महत्वपूर्ण 360 डिग्री का जो प्रोस्पेक्ट कल्चर का है उसको विजुलाइज या एक्सपीरियंस करने आते हैं, टेंजिबली या इनटेंजिबली जो भी है, तो उसका प्रतिफल ये होता है, द आउटकम इज दैट स्टिमुलेशन इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन एंड इनकम क्रिएशन कैन बी डन. सिमिलरली डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशंस आर इंक्रीज डे बाय डे ईयर बाय ईयर, फॉलोड बाय कल्चरल टूरिज्म वॉज सीन इन टू ग्रोथ मार्केट. फिर उसका परिणाम ये होता है कि कल्चरल टूरिज्म को हम ग्रोथ के तौर पर देखते हैं, लोग आते हैं, दे आर हार्डशिप विद देयर रिचुअल्स, अदर रिचुअल्स को समझना, अदर प्रोपोगेशन ऑफ लाइफ को समझना, उनके उनके साथ एसोसिएट होना, उनके इवेंट्स ऑफ लाइफ के साथ उन्हें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ का डिवोट करना, एंड देयरफॉर देयर इज अ ग्रोथ ऑफ अ मार्केट बाय व्हिच वी आर सेलिंग द क्वालिटी ऑफ टूरिज्म. ऑन द कॉन्ट्ररी देयर इज एन इंक्रीज ऑफ सप्लाई ऑफ कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ रीजनल डेवलपमेंट. तो उस तरह से जैसे हम आज रूरल टूरिज्म की बहुत बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़े अर्बन सेंटर्स हैं जहां से लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीजन के तौर पर डेस्टिनेशन के लिए आते हैं, तो रूरल डेस्टिनेशंस पर हमारे पास वो चीजें अवेलेबल होती हैं जिन्होंने जिन्हें अर्बन टूर ट्रैवलर ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. जैसे अगर मैं बात करूं, एक न्यूयॉर्क से निकला एक व्यक्ति जिसका नाम पीटर है, पीटर ने अगर मध्य प्रदेश के किसी गांव में कोई वेजिटेशन देखा, कोई पोशाक देखी, कोई खाना खान पान की नई पद्धति देखी, गांव का एक ऐसा लिविंग सिस्टम देखा जो बहुत स्लो है, तो उसे ये चीजें अट्रैक्ट करेंगी. सो ग्रोइंग असेसिबिलिटी इन इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कल्चर को डिपिक्ट करता है, इसको लेकर हमें प्रमोशन की जरूरत है, हम कर भी रहे हैं. IITM itself is working by the name of Central Nodal Agency for Rural Tourism Development, Sustainable Tourism Development for Ministry of Tourism, Government of India. We people are working in this particular segment. Emergence of new nation and region, इस तरह के कल्चरल सेंटर के तौर पर कई कंट्रीज अपने आप को एक प्रमोशनल डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, उनकी एक इमेज बन रही है, एंड अनडाउटेडली इंडिया इज वन ऑफ देम. और लास्ट में ये डिजायर जो है लोगों के अंदर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है जिसको लेकर वो यहाँ पर या डेस्टिनेशन पर खींचे चले जाते हैं. So I would like to conclude this lecture, this video session, that tourism is closely related to culture or heritage. Rather, culture or heritage tourism को resource के तौर पर enrich करते हैं. जितना ज्यादा इंसान का movement pattern होता है, उस movement patterns में 80% लोग worldwide heritage और cultural reasons की वजह से ट्रैवल करते हैं, एंड देयरफॉर दिस मार्केट इज प्रोपोगेटेड लाइक एनीथिंग. इंडिया मेजर इंटरनेशनल बिजनेस मे बी द इनबाउंड बिजनेस इज बेसिकली कल्चरल एंड हेरिटेज सेंटर. सो आई होप यू हैड लर्न समथिंग न्यू आउट ऑफ दिस सेशन. मे बी यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ टॉक, सो वील कमेंस विद दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, स्पेशली फॉर टूरिज्म पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, एंड शॉर्टली इफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी पार्टिसिपेंट इन देयर वर्जन, आई मे ऑल्सो बी कम अप विद द UGC नेट प्रिपरेशन सॉर्ट ऑफ मॉड्यूल्स और सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क.
lectures on my YouTube channel and probably live also. So that's it with this session today. I will encourage your feedback, your कॉमेंट्स, योर इंक्वायरीज इन दिस कॉन्टेक्स्ट. आपके जो कुछ भी क्वेरीज हैं प्लीज मुझे रखें, या मुझे मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर कॉल करें और अपने आप को मेरे इस कॉन्वर्सेशन से जोड़ें. थैंक यू सो मच. इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट नाउ देयर इज नीड नॉट टू स्टेट. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट दिस टाइप ऑफ वीडियो सो दैट वी कैन वर्क बेटर. As of for now, good night. Namaskar.